गाइस, क्या आप अपने लिए बेस्ट माइक्रोफोन ढूंढ रहे हो अपने YouTube जर्नी को स्टार्ट करने के लिए? तो आज का ये वीडियो ना आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप नया YouTube जर्नी शुरू करने वाले हो या फिर आप ऑलरेडी एक चैनल चला रहे हो एंड अब आप चाहते हो अपने क्वालिटी ऑफ कॉन्टेंट को इंक्रीज करना विथ बेटर ऑडियो, तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक अच्छे माइक्रोफोन का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो। फुल इसका सेटअप करके बताने वाला हूँ कौन से ब्रांड का है, कितने प्राइस पड़ने वाला है, कैसे फीचर्स मिल जाते हैं एंड क्यों ये माइक्रोफोन आपको जरूर कंसीडर करना चाहिए, वो आज की इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखना। चलो गाइस, इस वीडियो को शुरू करते हैं। हाय गाइज, मैं हूं एनिमेशन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये मैंने खरीदा हुआ है अमेजोन से। फटाफट से इसे अनपैक करते हैं, निकाल लेते हैं अंदर से हमारे माइक्रोफोन को। चलिए गाइज, इसे कट कर लेते हैं एंड तो ये रहा गाइस वो अमेजिंग सा माइक्रोफोन। आता है क्रियो ब्रांड की तरफ से, इसका मॉडल नेम है रैक, क्रियो रैक। ये माइक्रोफोन है एक कंडेंसर माइक्रोफोन है। इसका साउंड क्लैरिटी कैसा है सब चीज इस वीडियो पे आपको टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। इस तरीके के बॉक्स में आता है। सबसे पहले इसके बॉक्स ओवरव्यू पे आपको एक रेक्टेंगल बॉक्स मिलने वाला है एंड यहाँ पे आपको फ्रंट में ये माइक्रोफोन का फोटो बना हुआ है। इसी तरीके का आपको ये माइक्रोफोन मिलने वाला है। ऊपर में आपको इसका मॉडल नेम मिल जाएगा रैक एंड यहाँ पे ब्रांड नेम मिल जाएगा क्रियो। यहाँ पे आपको बहुत सारे क्विक स्पेसिफिकेशंस मेंशन किए गए हैं, लाइक इसके अंदर आपको मिल जाता है इंस्टेंट रिकॉर्ड का ऑप्शन, यानी कि ये एक यूएसबी माइक्रोफोन है तो इसके लिए आपको कोई अलग से साउंड कार्ड की जरूरत नहीं है अपने लैपटॉप या पीसी से यूज करने के लिए। आप डायरेक्टली इसे प्लग एंड प्ले कर सकते हो, बस कनेक्ट करो एंड ये रेडी टू यूज हो जाएगा। सेकंड, आपको मिलता है इसके अंदर क्रिस्टल क्लियर साउंड, मल्टी सपोर्ट है यानी कि टाइप सी एंड यूएसबी कंपैटिबल, यानी कि आप इसे अपने यूएसबी के थ्रू यूएसबी डिवाइसेस से कनेक्ट तो कर ही सकते हो, साथ ही साथ इसको आप कनेक्ट करके यूज कर सकते हो अपने मोबाइल फोन के साथ। कि अगर आप एक मोबाइल फोन यूजर हो, आपके पास लैपटॉप पीसी नहीं है, आप मोबाइल से यूट्यूब जर्नी स्टार्ट कर चुके हो या करने के सोच रहे हो, मोबाइल से ही एडिट करते हो, मोबाइल से ही रिकॉर्ड करते हो, तो इस माइक्रोफोन को ना आप अपने मोबाइल फोन से भी लगा के यूज कर सकते हो। वन टच म्यूट का ऑप्शन है जो बहुत नेसेसरी फीचर है जो आगे टेस्ट करेंगे। ब्लास्ट ऑफ इनटू द क्रियोस्फीयर नाउ, यहां पे क्यूआर कोड दिया गया है। राइट साइड में आपको देखने को मिल जाएगा 500 डेज का वारंटी, इसके अंदर आपको 500 दिन का वारंटी भी मिलता है। ऊपर में लिखा गया है अ माइक यू नेवर वांट टू ड्रॉप एंड बैक साइड पे आ जाएंगे तो बैक साइड पे आपको यहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें दी गई है, लाइक यहां पे इसका प्राइस मेंशन है 4,499 रुपए, लेकिन इसके दो वेरिएंट्स हैं तो प्राइसिंग जो है वो वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं। गाइस, ये जो क्रियो रैक माइक्रोफोन है ये कार्डियोइड पैटर्न वर्किंग माइक्रोफोन है। तो चलो फटाफट से अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या क्या अंदर देखने को मिल जाता है। एंड इसके अंदर मिलता है एक फॉर्म एंड फिर नेक्स्ट चीज गाइस, इसके अंदर आपको मिलता है एक यूजर मैनुअल, चाहोगे तो पढ़ लेना, वैसे जरूरी नहीं है। एंड इस तरीके से हमारा इसके अंदर माइक्रोफोन आपको देखने को मिल जाएगा। काफी कूल सा ये ब्लैक कलर में आया हुआ है, मैट ब्लैक कलर में। तो माइक्रोफोन जो ब्लैक कलर में रहता है ना, ज्यादा अच्छा लुक देता है आपके सेटअप पे। तो ये रहा, इसके अंदर से हमारा ये माइक्रोफोन निकलता है। काफी स्मॉल सा, आप मेरे हाथ पे देख सकते हो, मेरे पाम के साइज का है। एंड इस तरीके कुछ माइक्रोफोन है, काफी ज्यादा डिसेंट सा वेट है, इसको रखते हैं फिलहाल साइड में। एंड इसके अंदर नेक्स्ट मिलता है हमें ये पाउच, इसके अंदर क्या क्या है निकाल के देख लेंगे। एंड हमें लास्टली मिलता है इसके साथ इसका स्टैंड। बाकी चीजों को करते हैं फिलहाल साइड एंड आते हैं इन तीनों चीजों पर। तो गाइस, ये सारी चीजें हमें इसके साथ मिलने वाला है। सबसे पहले इसके अंदर जो पाउच मिलता है, अच्छे क्वालिटी का आपको एक पाउच मिल जाएगा, वेलवेट टाइप का है, सॉफ्ट सा कपड़ा है, इस पे क्रियो लिखा हुआ है। एंड इसके अंदर से क्या क्या निकलता है देख लेते हैं। तो इसके अंदर से निकलता है सबसे पहले एक काफी लंबा सा USB 2 Type-C केबल, जिसके साथ आप इसे कनेक्ट करके यूज कर पाओगे। एंड नेक्स्ट हमें मिलता है इसके साथ कुछ स्टिकर्स क्रियो का। फिर हमें मिलता है एक ये कनेक्टर, जिसके साथ ये माइक्रोफोन स्टैंड पे लगने वाला है। लास्टली हमें मिलता है गाइस ये कनेक्टर USB 2 Type-C, इसको लगा करके आप इसे ना Type-C to Type-C बना सकते हो एंड आप अपने मोबाइल फोन पे इसे लगा के यूज कर सकते हो। सो गाइस, सबसे पहले शुरू करते हैं इसके फिजिकल ओवरव्यू से। आपको इस तरीके का राउंड सा शेप में ये माइक्रोफोन देखने को मिलने वाला है। ऊपर में जो आपको ये ब्लैक कलर का मैश देखने को मिल रहा है ना, ये एक मेटेलिक मैश मिल जाएगा इसके अंदर। एंड आपको यहाँ पे फ्रंट में एक जो रिंग का जो शेप दिया गया है, इस पे क्रियो का ब्रांडिंग मिल जाएगा। नीचे आपको कुछ LED लाइटिंग इफेक्ट्स मिलते हैं जो आपके वॉइस के हिसाब से वर्क करेंगे। फिर बैक साइड पे आ जाएंगे तो आपको इसके अंदर देखने को मिलता है 3.5 mm का हेडफोन मॉनिटरिंग का ऑप्शन, जो बाकी माइक्रोफोन्स पे इस प्राइस के अंदर नहीं दिए जाते हैं। एंड उसके नीचे हमें मिल जाता है एक Type-C पोर्ट, जिससे ये कनेक्ट होने वाला है। नीचे हमें एक होल देखने को मिलेगा, जिसपे जब आप इसके स्टैंड को लगाना चाहोगे तो नहीं लगने वाला है, ढीला हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि ये लगेगा कैसे, इसको यहाँ पे काम आने वाला है ये कनेक्टर जो बना हुआ है प्लास्टिक का। एंड इसको लगाएंगे सबसे पहले इसकी स्टैंड पर इस तरीके से स्क्रू करके। बात करी स्टैंड की क्वालिटी का ना, तो स्टैंड बना हुआ है फुल मेटल का, आपके यहाँ पे सुना सकता हूँ मैं। नीचे बेस में मिल जाता है एक फॉर्म पैडिंग, तो ये घसकने नहीं वाला कहीं भी आप रखोगे तो। एंड अच्छा खासा डिसेंट सा वेट भी है। तो इसको लगाने के बाद अब हमारे माइक्रोफोन को इसके अंदर हम लोग यहाँ पे स्क्रू कर सकते हैं।
सो गाइज ये रहा हमारा माइक्रोफोन फुल्ली सेटअप हो चुका है। तो इस तरीके से इसके साथ जो डेस्कटॉप स्टैंड आता है ना, इस तरीके से आप रख के अगर आपका वीडियो शूट करते हो तो फ्रंट से आप इस पे बोल सकते हो, अगर आप साइड पे रखना चाहो तो साइड पे भी रख सकते हो। एंड इसका जो यहाँ पे आपको बॉल हेड मिलता है ना, ये फुल 360 इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो आप अपने माइक्रोफोन के पोजिशन को यहाँ पे सेट करके रख सकते हो किस पोजिशन में आपको बेस्ट ये सूट करता है। इसके वायर के लेंथ को मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज इसके साथ आपको बहुत लंबा एक वायर मिलता है, मैं बोलूंगा ऑलमोस्ट 2 मीटर्स के अराउंड। एंड वायर का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है, सॉफ्ट वायर आपको देखने को मिलता है। तो आपको जो यूएसबी ए मिलता है ना, ये कनेक्ट होगा आपके लैपटॉप पे या आपके पीसी पे। एंड ये जो टाइप सी पोर्ट है ये आपके माइक्रोफोन पे चला जाएगा पीछे की साइड, कुछ इस तरीके से क्लिक से साउंड करेगा। एंड ये लग चुका है। एंड अब जो है हमारा माइक्रोफोन रेडी टू यूज है, सेटअप हो चुका है। फिर अगर आप इसको इस मोबाइल पे यूज करना चाहोगे तो ये जो कनेक्टर मिलता है ना, इसको आप इस तरीके से इस पे कनेक्ट कर सकते हो, ये रहा। एंड अब ये यूएसबी टाइप सी बन चुका है एंड इसको आप अपने मोबाइल फोन पे लगा के रिकॉर्डिंग कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पे मैंने फुल सेटअप कर लिया है, लैपटॉप लेके आ चुका हूँ। एंड मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ कौन सा सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा इस माइक्रोफोन को यूज करने के लिए। एंड इस माइक्रोफोन को आप अपने विंडोज लैपटॉप पे तो यूज कर ही सकते हो, विंडोज पीसीज पे, लेकिन साथ ही साथ इसे मैकबुक पे भी आप इसे यूज कर सकते हो। एंड इससे पहले यहाँ दिखाओ एक स्पेशल फीचर बताता हूँ। इस माइक्रोफोन के टॉप में आपको यहाँ पे टच सेंसिटिव बटन देखने को मिल जाएगा, जो टच बटन है। एंड इस पे एक म्यूट का लोगो लगा हुआ है, तो इससे क्या है ना, आप वन टच म्यूट कर सकते हो उस माइक्रोफोन को। क्या होता है बहुत बार कि बहुत लोग जैसे पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड आपको बीच में कॉल आ जाता है, फिर आपके रूम पे कोई एंटर हो जाता है, तो आप नहीं चाहोगे आपके बीच क्या कन्वर्सेशन हो रहा है वो बाकी जो ऑडियंस देख रहे हैं उनको सुनाई दे। तो आपको यहां पे ज्यादा टेक्निकलिटीज पे जाना नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर पे जाओ वहां म्यूट करो, बस वन टच टैप कर दो एंड ये फुल्ली म्यूट हो जाता है। तो ये इसका एक स्मार्ट फीचर दिया गया है। चलो अब करते हैं क्या, यहां पे आपको अपने विंडोज लैपटॉप या अपने मैकबुक पे ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर को। ऑडेसिटी नाम का बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लेना। तो इस तरीके से ये ओपन होता है। अब क्या है, आपको इसके यूएसबी केबल को अपने लैपटॉप के किसी भी यूएसबी पोर्ट पे लगा देना है। मैं यहां पे इसे लगा दूंगा अपने लैपटॉप पे। एंड जब आप इसे लगाओगे ना, तो ये तुरंत आपके माइक्रोफोन को रीड नहीं करेगा, एक बार आपको अपने सॉफ्टवेयर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने यहां पे रिस्टार्ट कर दिया है, अब ये ऑडेसिटी नाम से फिर से ओपन हो रहा है। यहां पे अब आपको चले जाना है ऑडियो सेटअप पे। ऑडियो सेटअप पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिकॉर्डिंग डिवाइस का। इस पे आप देख सकते हो यहां पे आपको 3 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो माइक्रोफोन यूएसबी माइक लिखा हुआ मिल रहा है ना, ये वाला माइक्रोफोन है, तो आपको इस पे सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पे आपको जो ये वाला ऑप्शन मिल रहा है ना, इस पे आपको राइट क्लिक करना है एंड स्टार्ट मॉनिटरिंग पे क्लिक कर देना है। तो अब क्या है कि यहाँ पे आप इसे पूरा मॉनिटरिंग करके देख सकते हो कि इसके अंदर किस तरीके से ऑडियो को ये कैप्चर कर रहा है। अभी आपको ग्रीन बार्स पे देखने को मिल रहा है, तो इसके अंदर आवाज जो है ना बहुत ही क्लियर जा रहा होगा। एंड अगर आप जोर से बोलोगे ना तो ये फटने वाला है, जैसे मैं आपको अगर सामने ला के दिखाऊं। सो गाइस अभी आप देख सकते हो ये बिल्कुल रेड नॉट को हिट कर रहा है, यानी कि जो भी ये सामने से मैं बोल रहा हूं ना, इसके वजह से बहुत ही शार्प यहाँ पे ऑडियो ये कैप्चर कर रहा है। नीचे आप यहाँ पे जो देख सकते हो, यहाँ पे इक्वलाइजर वाला आपको जो मॉनिटरिंग ऑप्शन मिलता है, ये फुल हाई पीक पे चला जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको अपने से इतने डिस्टेंस पे रखना है ना कि 1-2 पॉइंट्स ये टच ना करे, तब आपका आवाज जो है बहुत ही क्लियर रिकॉर्ड करेगा, वरना ये फट जाएगा अगर आप बहुत ज्यादा सामने से बोलोगे तो। तो ये तो बहुत ही बेसिक से रूल्स है किसी भी माइक्रोफोन को यूज करने के लिए। यहाँ पे मैंने बता दिया माइक्रोफोन कैसे सेटअप करना है। अब क्या है, अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे इसके हेडफोन लगा के आप साथ ही साथ आउटपुट भी ले सकते हो, लाइव मॉनिटरिंग कर सकते हो, वरना यहाँ पे आपको तो यहाँ डेटा मिल ही रहा है एंड इस पे लाइट पे तो आप देख ही सकते हो। एंड इसके लेवल्स को आप यहाँ पे ना कम ज्यादा कर सकते हो, जैसे मैं इसे अगर कम कर दूंगा ना तो इतने बार के ऊपर ये नहीं जाने वाला है। अगर मैं अभी कितना भी जोर यहाँ पे बोलूंगा ना तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इस तरीके का एक रिकॉर्डिंग लेवल आप सेट कर सकते हो, जो मैंने यहाँ पे 90% के अराउंड रखा था शायद। रिकॉर्डिंग करना बहुत सिंपल, सेटअप हो गया है, रेड बटन पे क्लिक करोगे तो ये रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं 3, 2, 1। हाय गाइस, तो अभी जो आप ऑडियो सैंपल सुन रहे हो ना, ये रिकॉर्ड हो रहा है इस क्रियो रैक माइक्रोफोन पे। एंड डिस्टेंस आप देख सकते हो वीडियो पे कि कितना ज़्यादा डिस्टेंस पे मैं यहाँ पे इस पे बात कर रहा हूँ। एंड ये काफ़ी ज़्यादा क्लियरली रिकॉर्ड कर रहा है, आप पीछे जो एक ग्राफ देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से ये रिकॉर्ड कर रहा है। इसके अंदर आपको कोई भी हिस या फिर बजिंग साउंड नहीं मिलने वाला है, क्योंकि माइक्रोफोन का क्वालिटी सच में काफ़ी अच्छा है। एंड इस तरीके कुछ आपको इसमें रिकॉर्डिंग मिलने वाला है। अब क्या है, जैसे अगर मैं इस तरीके से ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ या लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ या फिर वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड किसी का मुझे कॉल आ जाता है, तो मैं यहाँ पे ना बार बार यहाँ एप्लीकेशन में जा करके रिकॉर्डिंग बंद नहीं करने वाला हूँ या फिर माइक्रोफोन पे जाके म्यूट नहीं करने वाला हूँ। मैं वन टच कर दूंगा और यहाँ पे ऑडियो जो है बिल्कुल म्यूट हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो म्यूट का फंक्शन मिल जाता है ना, बस इस तरीके से आपको यहाँ पे टैप कर देना है।
सो गाइस, देखा आपने मैंने यहाँ म्यूट बटन को दबाया ना, तो ये बिल्कुल रेड हो गया था। पूरा ग्राफ आपको सीधा देखने को मिल रहा था, ये कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रहा था मैं कितना भी बात करूँ। एंड जिस तरीके से आप वापस दबाओगे तो ये वापस रिकॉर्ड करना शुरू हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक स्मार्ट सा फीचर दिया गया है इसके अंदर। एंड डिस्टेंस आपने देखा, मैं इतने डिस्टेंस से बात कर रहा हूँ, मैं एक बार उससे उठाता हूँ, सामने से बात करता हूँ। सो गाइस, अभी जो ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, बहुत ही क्लोज लेवल से रिकॉर्ड हो रहा है, आप देख सकते हो। एंड आपको पता चल जाएगा कि इतने सामने से अगर आप इस पर बोलते हो ना, तो ऑडियो हो सकता है क्लिप करे। तो उसकी वजह से जो आपको सॉफ्टवेयर में बताया ना, आप इसके रिकॉर्डिंग लेवल को कम कर देना 70-80% पे, फिर आप कितने भी सामने पे बोलोगे ना, तो वो क्लिप नहीं करने वाला है। सो गाइस, आपने देखा ये क्रियो का माइक्रोफोन कितना ज्यादा अमेजिंग वर्क कर रहा है। इसके अंदर आपको लाइव मॉनिटरिंग लाइट्स मिल जाते हैं, वन टच बटन मिल जाता है म्यूट करने के लिए, हेडफोन लगाने का ऑप्शन है, हेडफोन मॉनिटरिंग कर सकते हो, और इस तरीके का स्टैंड भी मिल जाता है अपने डेस्क पे इस तरीके से रख के रिकॉर्ड करने के लिए। एंड बहुत ही ज्यादा एस्थेटिक एंड क्लीन सा लुक देने वाला है। एंड मैं तो सोच रहा हूँ अब इसी माइक्रोफोन को यूज करने वाला हूँ अपने यूट्यूब सेटअप पे। एंड गाइस, अगर आप इस माइक्रोफोन को अपने मोबाइल फोन पे लगा के यूज करना चाहोगे ना, तो इस तरीके से आपको इस कनेक्टर को इस पे लगा देना है। एंड इसको आप इसके बाद क्या है ना, डायरेक्टली अपने कोई भी मोबाइल फोन टैबलेट पे लगा सकते हो जिस पे टाइप सी पोर्ट दिया गया है, एंड इस तरीके से आप कनेक्ट करके इसे यूज कर सकते हो। तो अगर आप अपने डिवाइस से कैमरे से अगर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दो, एंड इसके थ्रू आपका जो ऑडियो है वो जाने वाला है। सेकंड चीज, अगर आप इस पे ऑडियो सिर्फ रिकॉर्ड करना चाहोगे, तो इस पे ऑडियो रिकॉर्डिंग पे जाकर के आप ऑन कर देना। एंड अब क्या है ना, आप कैमरा किसी DSLR से शूट करते हो तो करो, बेशक से करो, एंड इस पे आप अपना वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो, बाद में एडिटिंग पे दोनों को सिंक्रोनाइज कर सकते हो, एंड आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर साउंड हो जाएगा आपके वीडियो के अंदर। अब आते हैं गाइस इसके प्राइसिंग पे। तो इस माइक्रोफोन के आपको दो वेरिएंट्स मिल जाएंगे। एक मिल जाएगा ये डेस्क स्टैंड के साथ, जिसको आप लगा के बस इस तरीके से टेबल पर रख के रिकॉर्ड कर पाओगे, या फिर आप चाहोगे तो इस तरीके से हाथ पे भी पकड़ के रिकॉर्ड कर सकते हो। एंड आता है इसका एक सेकेंड वेरियंट, जो मैंने परचेस तो नहीं किया, लेकिन कैसा रहता है मैं आपको बताता हूँ। उसके साथ आपको बस एक एक्स्ट्रा इस तरीके का सीजर आर्म स्टैंड मिल जाता है, जो एक माइक्रोफोन स्टैंड है। एंड इस तरीके से ये कुछ ओपन होता है, यहाँ पे आपको अपने माइक्रोफोन को लगा देना पड़ेगा। एंड उसके बाद इसको आप किसी भी डेस्क पे टेबल पे इस तरीके से टाइट कर दोगे, तो आप अपने सेटअप पे इस माइक्रोफोन को लगा पाओगे डिजायर्ड हाइट पे। आप डिस्टेंस सेलेक्ट कर सकते हो, कितने दूर से आपको लाना है, ऊपर रखना है, नीचे रखना है। तो इस तरीके का एक सीजर आर्म स्टैंड वाला वेरिएंट आता है। तो ये मेरे पास ऑलरेडी था, तो मैंने इसे नहीं लिया। तो आपके पास ये दो ऑप्शन है, या तो आप प्लेन माइक्रोफोन को ले लो, या फिर आर्म स्टैंड के साथ वाला लेना। दोनों के प्राइसेस में डिफरेंस है, दोनों के लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर सिंगल माइक्रोफोन चाहिए तो इसका भी लिंक मिल जाएगा, और आर्म स्टैंड के साथ चाहिए तो उसका भी लिंक आपको उसके नीचे देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, ये था इस क्रियो के अमेजिंग से माइक्रोफोन का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू एंड फुल सेटअप मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा, शेयर करना इस वीडियो को सबके साथ, एंड जाते हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस, एक बोनस क्लिप, अगर आप सिंगिंग करते हो एंड इस माइक्रोफोन को आप सोच रहे हो कि सिंगिंग के लिए कंसीडर किया जा सकता है या नहीं, चलो एक आपको इसमें टेस्ट करके दिखाता हूं कि अगर आप इसे सिंगिंग के लिए लेना चाहोगे ना, तो ये माइक्रोफोन आपके लिए कैसा आउटपुट देने वाला है। सो गाइज, काफी दिनों के बाद गिटार को हाथ में पकड़ाया, ये है यामाहा F310 गिटार। जब मैं कॉलेज पे फर्स्ट या सेकंड ईयर पे था, तब मैंने इसे लिया था। चलो स्टार्ट करते ही गाना, एंड यहाँ पे मेनली आपको कोई पर्पस पता चल जाएगा कि अगर आप इसे सिंगिंग के लिए लेना चाहते हो तो ये कैसा रहने वाला है। चलो शुरू करते हैं। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले बलाए तेरे सदके उतारे। है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, तेरी आँखों में बसता है मेरा जहाँ। कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम्ही हो तुम्ही आसरा। दुआएं सुनो सजाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था प्यार हुआ था प्यार हुआ था प्यार हुआ था। सो आई होप गाइस आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट में कुछ भी कमेंट जरूर कर देना। बाय बाय।